बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत ईद मुबारक, और इंशाल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छी ईद मना रहे होंगे। तो जी, ये मैं आपके साथ आज चांद रात स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे घर आए हैं गेस्ट, हमारे फ्रेंड्स कसीम से। जैसे आप देख सकते हैं, बच्चे उनके साथ खेल रहे थे बहुत ज़्यादा, और हम उनको लेकर आए हैं सलाम पार्क। तो जी, आज हमारा प्लान है पैडल बोटिंग का। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सी स्वान शेप की और भी बहुत सारी शेप्स की यहाँ पर बोट्स हैं। तो जी, काफ़ी देर हमें डिसाइड करने में लग गया, क्योंकि माशाल्लाह हमारे साथ दो बच्चे हैं और उनका भी एक बेटा है, कि एक बोट पे हम लोग कितने लोग बैठ सकते हैं। तो अपने लिए जो फीजेबल बोट थी वो ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो जी, अब हो गई है हमारी बोट डिसाइड। आप देख सकते हैं, अब तो लाइफ फेस्ट में कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। और ये मार्च छोटे छोटे से बेबीज, फर्स्ट टाइम इन्होंने लाइव वेस्ट पहनी, वो बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। तो जी, चले अब हम जा रहे हैं अपनी बोट में, और आप ही हमारे साथ बोटिंग एंजॉय करें। अच्छा, बोट चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जैसे आपको पता ही, आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड की क्या हालत हो रही थी, बाकायदा पसीने छूट गए थे, इतनी मेहनत से ही बोटिंग कर रहे थे। तो पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया, और बच्चा भी बहुत इंजॉय किया, बहुत ही सबर का मुजाहरा किया। तो जी, बोटिंग के बाद हम लोग आ गए हैं भाभी के टनाए। अपने चांद रात का जो डिनर था वो हमने यहाँ पर किया, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर किस तरह का खाना है। और बस पहले तो आपको पता है, बच्चों को बिठाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पर, मैं इनको बोल रही थी कि आप लोग मेरे ब्लॉग में आने के लिए ज़रा हाय करते, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ खाने की तरफ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कितने सारे बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं। यहाँ पर चिकन बिरयानी, काबली पुलाव, इसके अलावा कढ़ी पकौड़ा भी था, मैक्रोनी, आलू पालक, चिकन टिक्का, फिश में भी फिश टिक्का और चिकन टिक्का, इसके अलावा पेशावरी कबाब भी होते हैं, और सीख कबाब, और भी बहुत सारे इस तरह के आइटम्स होते हैं। तो जी, ये हमारा प्लेटर है, आप देख सकते हैं जो हमने खाया। वैसे मैं रशियन सैलेड सबसे पहले बहुत शौक से खाती हूँ। तो बस यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। अब्दुल्ला तो पहले सो गया था जैसे हम एंटर आए, लेकिन अब ये उठ चुका था, तो मैं उसको बस यहाँ पे खिलाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा जी, अब वक्त हो गया हमारे घर जाने का। घर जाकर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो मुझे सुबह के लिए सेवइयाँ रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैं घर आकर सेवइयों के लिए दूध उबाल रही हूँ, और इसके बाद मैंने इसमें इलायचियाँ और चीनी डाली और उसको पकाने के लिए रख दिया। फिर सेवइयों को तड़का लगा कर इसके अंदर मैंने सेवइयाँ डालनी, और आखिर में मैं ये काम करती हूँ कि नट्स डालने के बाद मैं 2 या 3 चम्मच जो है इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल देती हूँ दूध में मिक्स करके, तो उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद मैंने तैयारी की हलवा पूरी के नाश्ते की, क्योंकि सुबह ईद के दिन मेरे घर पर नाश्ता था मेरे फ्रेंड्स का हलवा पूरी पर। और ये देखिए, पाकिस्तान में हमारा कुर्बानी का जानवर भी आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा बैल है ये, और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करे। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि ईद का दिन हमने कैसे स्पेंड किया, और उसके बाद हम कहाँ को निकले। लेकिन इसके लिए आप सबने मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना है, और तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।